नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 में एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। आईपीएल 2021 के 44वें मैच में सनराइजर हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने थी। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला खेला गया था। इस मैच में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एसआरएच की बल्लेबाजी इस मुकाबले में बेहद खराब रही और टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 134 रन ही बना पाई। चेन्नई की तरफ से जॉस हेजलवुड और ड्वेन ब्रावो ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया। इस दौरान स्टेडियम में एक और नजारा देखकर फैंस का दिल गदगद हो गया। जी हां, काफी दिनों के बाद महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी और उनकी बेटी जीवा धोनी स्टेडियम में नजर आए थे। आपको बता दें, आईपीएल 2020 के दौरान भी दोनों स्टेडियम में नजर नहीं आए थे। कोरोना के काफी गंभीर प्रोटोकॉल को देखते हुए दोनों उस वक्त रांची में ही थे, लेकिन अब जब इसमें थोड़ी ढील मिली है तो दोनों वापस से अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए यूएई पहुंच चुके हैं और स्टेडियम में जमकर मस्ती करते हुए नजर आए। आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी जीवा और सुरेश रैना की बेटी की तस्वीरें शेयर की थी। इस दौरान दोनों मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। बात अगर मुकाबले की करें तो इस मुकाबले में हैदराबाद ने रिद्वान शाह के 44 रनों की बदौलत 134 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई ने पावर प्ले में ही 50 से ज्यादा रन जोड़कर शानदार शुरुआत टीम को दिला दी थी। आपको बता दें, इस सीजन चेन्नई ने शानदार खेल दिखाया और फिलहाल वो टेबल के टॉप पर चल रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।